जीरो लाइव। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जनता टीवी। आप तमाम दर्शकों के साथ इस बुलेटिन में मैं हूं पूजा कविया। लगातार जनता टीवी की पहल ग्राउंड जीरो चल रही है, इसी के मद्देनजर आज हमारी टीम जो है महम पहुंच चुकी है। महम से हमारे संवाददाता हेमंत वहां पर जुड़ चुके हैं। आज महम की जनता से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ विकास उन्हें मिले हैं। 10 साल प्रदेश की सत्ता को हो चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ वहां की जनता सोचती है कि क्या कुछ विकास वहां पर हो चुके हैं, कितनी डेवलपमेंट की चीजें वहां पर मिली है, शिक्षा का स्तर कैसा है, यही सब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको ग्राउंड जीरो के तहत महम ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता हेमंत केवलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल ऊर्जा, मेरे को आपकी आवाज मिल रही है और इस वक्त मैं महम विधानसभा क्षेत्र के समरगोपालपुर में खड़ा हुआ हूं। समरगोपालपुर में यहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां के लोगों के बीच में पहुंचूंगा और यहां के लोगों के हालचाल को मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पिछले 5 सालों में, या फिर यह कहें क्योंकि वर्तमान में विधायक जो कांग्रेस के हैं वो पिछले 10 सालों से हैं, तो पिछले 10 सालों में यहां पर विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या क्या विकास की चीजें यहां के लोगों ने देखी है। लेकिन फिलहाल जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की सड़कों की हालत मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि यहां पक्की सड़कें हैं, लेकिन पक्की सड़कें होने के बावजूद भी यहां बीच में एक ऐसी लाइन जा रही है जो शायद बहुत आगे तक जा रही है और जहां जहां ये सड़क जाएगी वहां वहां तक इस सड़क की हालत ऐसी नजर आएगी आपको पूजा। तो कहीं ना कहीं विकास की पहली तस्वीर मैंने आपको यहां पर दिखाई कि आखिर विकास के किस किस काम को हम समझ रहे हैं यहां पर। और अब मैं इन लोगों के बीच में जाता हूं, इन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई महम विधानसभा क्षेत्र के अंदर समरगोपालपुर में क्या कभी विधायक साहब यहां पर पहुंचे, क्या वाकई विधायक साहब ने तमाम कामकाज यहां पर किए, या फिर अगर कामकाज किए हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, और लोग इसको किस तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं और प्रदेश में जो सरकार है वो भी कांग्रेस की है। और ये बात भी आपको याद है कि सेंटर में सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी जब ये 10 साल रहे, हालांकि अभी वर्तमान में सरकार सेंटर में बीजेपी की है। लोगों से मैं समझता हूं कि क्या वाकई यहां के लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं या फिर विकास के कामकाज यहां पर देखने को मिले। मैं आपसे समझूं, अगर मूलभूत समस्याओं का अगर मैं जिक्र करूं समर गोपालपुर का, तो क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं या फिर विकास देखने को मिल रहा है आपके सामने है, दिखाई दे रहा है विकास हुआ है। हमारे गाँव में मूलभूत सुविधाएं नहीं के बराबर, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर 12 बजे आते हैं, 1 घंटा रुके, 1 बजे चले जाते हैं। दवाइयों नाम पे मुफ्त की दवाइयाँ कहते हैं लेकिन कभी कोई मुफ्त नहीं, भारी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। पशु अस्पताल में जाके कभी डॉक्टर की हमने शिकल नहीं देखी, 10 साल से डॉक्टर बना हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन आज तक हमने डॉक्टर नहीं देखा भी यहाँ डॉक्टर। आनंद सिंह दांगी जी कभी यहाँ पर पहुंचे आपसे बीच, आपके बीच आए, आपका हालचाल जाना, कभी परेशानियाँ सुनी यहाँ के लोगों की? वो तब आता है जब इलेक्शन का नजदीक होता है, जब उसने खुद की जरूरत होती है तब आनंद सिंह जरूर आता है, कई कई बार आता है। बिल्कुल, तो वर्तमान में सरकार की बात करूं तो कांग्रेस की सरकार है और उसके साथ साथ विधायक भी कांग्रेस के। कुछ और लोगों से समझ लेता हूं, इनसे जरा मैं जान लेता हूं कि क्या वाकई महम समरगोपालपुर विकास से अछूता रह गया या फिर विकास के कामकाज हुए क्या काम? विकास गलियां बनी है जी, लेकिन जो मेन विकास है वो स्कूल में होता है बच्चों के माध्यम से। स्कूल में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो सही पढ़ाता हो, हिसाब का मास्टर है वो उदाहरण में देख कर और वो सवाल समझाता है, उसको कुछ नहीं आता जाता, सिफारसी आदमी है ना उसकी बदली हो है। साइंस मास्टर है ही नहीं, आज जनरेटर कभी चलता ही नहीं, बच्चे कोई पंखा नहीं चलता, गर्मी में बच्चे बेहाल हैं। असली तो मतलब विकास है ये, ठीक है गली हमारी बनी है, स्ट्रीट लाइट भी लगी है, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए सही माना में नहर तक, ताकि जो सुबह से हम घूमने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सुविधा हो जाए, जो जमींदार रात में पानी देने जावे उनको सुविधा हो जाए। शिक्षा में नंबर वन का दावा सूबे के मुखिया करते हैं, क्या शिक्षा में नंबर वन नजर आता है आपको? अगर शिक्षा में नंबर वन है तो ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर देखे, फिर हम भी यूं कह देंगे भाई हाँ शिक्षा में नंबर वन है। अब हर आदमी के बच्चे जिसका अपना ब्यो होता है वो सब प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज हरिजन बैकवर्ड के उनको कुछ सुविधाएं दे दी, उनकी मजबूरी होगी, वो ऊपर नहीं उठ सकते। इस विधायक साहब कभी नजर नहीं आए? विधायक साहब सिर्फ चुनाव में आते हैं, बीच में का कभी मान लिया किसी के पास आ भी गए, एक आदमी के पास आए अपने चले गए। तो ये कुछ तस्वीरें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की पूजा। कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा मैं समझ लेता हूं, जान लेता हूं उनसे कि क्या वाकई विकास के यहाँ कामकाज हुए या फिर नहीं हुए, क्या वाकई शिक्षा में नंबर वन प्रदेश है या फिर नहीं है,
क्या शिक्षा की मैंने बात की, जैसे कि और भी लोग कह रहे हैं कि शिक्षा की क्या तस्वीर है, स्टाफ है नहीं, अध्यापक आते नहीं, स्कूल में बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई वहां पर हो नहीं रही, क्या वाकई ये तस्वीर? ये वाकई सही बात है जो इन्होंने बताया। मैं एक और बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा नंबर का जो नारा दिया गया है, ये गाँव समर गोपालपुर है, इसकी पिछली 5 पंचायतों से एक पंचायत में सभी दलित लोगों के प्लाट दिए गए थे, आज एक भी आदमी दलित इस गांव के अंदर प्लाट पर काबिज नहीं है। सरकारी प्लॉट मिले थे 1982 में, मालिकाना हक मिला था उनको, लेकिन आज दलित और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, एक तरफ कुछ जमीन है उसमें मिले हुए हैं, बाकी 750 परिवार यहाँ पर गांव में रहते हैं, एक भी दलित इस गांव का पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है कि अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार निकलवा ले, मुख्यमंत्री निकलवा ले, प्रधानमंत्री निकलवा ले, अगर एक भी आदमी दलित और पिछड़े और गरीब आदमी अगर सरकारी प्लॉट पर काबिज हो तो हम झूठे। देश के मुखिया कहते हैं और विरोधी जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि रोहतक को चमका के रख दिया, बाकी और जगहों से भेदभाव किया, भेदभाव है? नहीं, ये तो सरासर दिख रहा है भेदभाव हुआ है, रोहतक में लाइट लगी है, रोहतक चमकाया है, उसने चमकाया, उसने कोई अलग नहीं किया। क्या यहाँ विकास नहीं हुआ? ना कोई ना। क्या 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 कामकाज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं आपको जो होने चाहिए? और कोई सा बोल जान दो, बोलो। विकास हुआ है यहाँ? यहाँ पर कुछ नाम मात्र का ही विकास हुआ है। यहाँ के जो स्टूडेंट है, लड़कियाँ जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाती है, यहाँ पे रोड सरकारी रोडवेज की बसों पे लिखा हुआ था हरियाणा नंबर 1, कहाँ हरियाणा, यहाँ पे कोई सरकारी बसें नहीं है। यहाँ से गांव से 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है लड़कियों को, लेडीजों को, वहाँ से अकेले आना पड़ता है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे बैंक में जाते हैं तो कहते हैं कि 10 बजे आना, 10 बजे जाते हैं तो अभी लंच का टाइम हो जाए, 3:30 बजे में वापिस चले जाते हैं। यहाँ नाम मात्र का ही विकास हुआ है। रोजगार का साधन देने की बात की थी, कोई रोजगार दिखाई देता है इस गांव के युवाओं को, नौजवानों को? यहाँ पर रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मात्र केवल ही जो कांग्रेसी हैं उनका ही, उनको ही रोजगार मिला है। आगे की परिस्थिति ऐसी है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, हुड्डा सरकार का विनाश का समय आ गया है, लोग उसे वोटों के हक से उसको पूजा, ये नाराजगी है, ये गुस्सा है जो साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा नंबर 1 का जो दावा किया जा रहा है वो खोखला साबित होता फिलहाल नजर आता है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए यहाँ की तस्वीर आखिर है कैसी? यहाँ की तस्वीर हम पहले भी आपके माध्यम से बहुत कुछ बता चुके हैं, और भी मेरे साथियों ने बताया है, बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे एक पशुओं का अस्पताल है जो कि नाम मात्र का, उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है बिल्कुल ही, डॉक्टरों को बैठने की उसके अंदर अस्पताल में कोई मूल सुविधा नहीं है, ना उसको वैक्सीनेशनों को कोई रखने की सुविधा है, ना उसमें बिजली है, ना उसमें पानी की कोई सुविधा है। उस अस्पताल में देखे तो कोई डॉक्टर क्या, उसमें कोई पेशेंट भी अपने मरीज को भी ले जा लेके साहब से इस बात का कभी जिक्र किया, कभी परेशानियां जाहिर करने की कोशिश की आप सब लोगों ने? उनको बताए तो वो इसके बारे में कोई भी जो है कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलता, बोला हो जाएगा, वो तो अभी भी हो जाएगा, आगे आएंगे तब भी हो ही जाएगा। बिल्कुल, तो सारी चीजें ठंडे, बिल्कुल सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, आश्वासन जो है वो कोरे दिखाई देते हैं, और जो तमाम वायदे जो किए गए और जो तमाम घोषणाएं अलग अलग जगह पर जाकर सूबे के मुखिया करते हैं वो शायद कभी नजर नहीं आती। एक बुजुर्ग मेरे साथ है, इनसे जरा समझ लेता हूँ क्या कहेंगे। यहाँ के आप पुराने रहवासी हैं, यहाँ पर कितना बदलाव आपने देखा है? आदरणीय, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम आज तक आनंद सिंह दग्नि से न तो हमारे से मिला ना हम उनसे मिले, और शमशेर खड़खड़ा हमारे पास गांव में आता है, हर एक घर घर में घूमता है, उसका कोई जूत मारो चाहे और चाहे उसको प्यार से बैठाए तब भी वो आता है, उस वर्ग का विधायक हमने कभी नहीं मिलेगा। 2009 में वो हार क्यों गए, जब इतना प्यार लोगों ने दिया तो वो हार यहाँ से क्यों? ऐसे हारे, वो हारे नहीं थे, हराए गए थे, वो उस टाइम ऊपर भी कांग्रेस का राज था और हरियाणा में भी कांग्रेस का राज था, आज के दिन ऊपर मोदी सरकार है जो कि गरीब और अमीर को देखता है, हरियाणा के अंदर भी मोदी सरकार आएगी और सबको बराबर करेगा। चलिए परिवर्तन की बात यहाँ पर इन्होंने की है, और कुछ और लोगों से समझ लेता हूँ, परिवर्तन का जिक्र यहाँ पर किया, सेंटर में सरकार अब बीजेपी की, क्या कोई परिवर्तन हो जाएगा, क्या यहाँ पर परिवर्तन होगा? परिवर्तन ये बात है जी, गरीबों को 100-100 गज के प्लाट दिए थे सरकार ने, और बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे दिल्ली बाईपास पर, 100-100 गज के प्लाट गरीबों के कर दिए ठाट, किसी गांव को एक बंदा ने प्लाट नहीं मिला, सब छातों पर बटोड़े लगाते हैं गरीब आदमी, जो जमींदार उनके पास जमीन है वो तो अपने बना लेंगे अपनी जमीन में, हम गरीब आदमी जो 80 हैं 20 इनका तो कोई विकास ही नहीं है, और ना ही कोई बत्ता लगे सरकार में 80 का, ना इसका ब्लैकबोर्ड का,
सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके पक्के परमानेंट वो उनके बच्चे लगाए नौकरी, SP लगाओ, DC लगाओ, कुछ लगाओ, हमारा तो कोई चोपड़ा सिर चौकीदार भी नहीं लगाया है सरकार ने। तो ये स्थिति है, स्वास्थ्य सेवा यहाँ है नहीं, शिक्षा का स्तर आखिर कैसा है यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, और सबसे बड़ी बात ये है कि रोजगार का साधन कोई उपलब्ध होता नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बदलाव की चाह ये रख रहे हैं लोग, कुछ और लोगों से समझ लेता हूँ, क्या कहेंगे आप, यहाँ बदलाव की चाह रख रहे हैं लोग, आखिर क्या वाकई ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि बदलाव चाहिए लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्या गंभीर परेशानियां यहाँ पर हैं? जब विधायक साहब आपके पास आए थे वोट मांगने के लिए, पहला वादा क्या किया, अगर पहला वादा कोई किया था तो क्या पूरा हुआ है? 24 घंटे लाइट का किया था, बिजली पानी का दोनों का किया। क्या स्थिति है बिजली की? नहीं कुछ नहीं, बिजली का 2 घंटे मुश्किल से आती है, वो भी कई बार छोटे ट्रांसफार्मर है उनके ऊपर लोड ज्यादा है, कई बार बोलते 10-10 हाँ चली जाती है। फिर गलियां जरूर बनी है, गलियां आपने देखी होंगी, गलियां बनी हैं लेकिन उसके बाद पानी का सिस्टम चलाया है, गलियां ऐसी दिखाई दे रही है आपने, कोई विकास की बात नहीं है। दूसरी बात, पावर हाउस के लिए बोल के गए थे दीपेंद्र MP साहब के भगवती पर से जोड़ने के लिए, वो भी आज तक नहीं जुड़ी है। फिर रास्ता, मेन रास्ता हमारा ये पुल 95 के अंदर ये पुल वो टूटा था इसका, हाँ ये पुल टूटा था, ये मतलब 95 में पानी आया था। तमाम परेशानियां यहाँ के लोगों की है, विधायक साहब से कभी गुहार लगाई कि ये परेशानियां हो रही है कभी सॉल्व की जाए? हमारी तो सुनने वाले हैं नहीं, वो लगाते रहते। मिले विधायक साहब से आप? पीने के पानी के लिए मिले थे लेकिन आश्वासन दिया होया कुछ नहीं। पीने के पानी की पहले प्राइवेट सप्लाई थी हमारे गाँव में और बहुत ही मीठा पानी था। तो हेमंत आप बता रहे थे किस तरीके से महम की आवाम परेशान नजर आ रही है, 10 सालों में जितने वायदे किए गए हैं उसके जवाब मांग रही है जनता की, क्या कुछ उन वायदों का किया।